दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एक नहीं दो नहीं तीन चैनल दिखाऊंगा जो कि सेम कैटेगरी में वर्क कर रहे हैं और सारे के सारे मोनेटाइज है। प्लस पॉइंट तो ये है कि इनकी वीडियो को आप चाहे तो फेसबुक पर अपलोड करके कमा सकते हो, चाहे तो यूट्यूब पर भी अपलोड करके कमा सकते हो दोस्तों। तो इसकी वजह से इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि स्किप करोगे तो फिर कहोगे कि ये नहीं होता वो नहीं होता। तो वो कहने से बेहतर है कि वीडियो की पूरी जानकारी लेकर ही जाओ और इस तरीके का चैनल बनाकर लाखों की अर्निंग करो दोस्तों। मैं लाखों की हर वीडियो में कहता हूँ, लेकिन करने वाले करते हैं दोस्तों। अगर मतलब कि करोगे ही नहीं तो अर्निंग करने की तो बात ही नहीं आती है, तो ये सोचने वाली बात है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एक चैनल को ओपन करके रखा है दोस्तों, और इस चैनल के हम रिसेंटली वीडियो को ना देखते हुए सीधे चलते हैं पॉपुलर के अंदर। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि 68 मिलियन व्यूज है। घबराना मत, ये सब कुछ कॉपी पेस्ट होने वाला है, कुछ भी आपको कहीं से भी खुद नहीं बनाना है, ठीक है। 68 मिलियन व्यूज इस वाली वीडियो पर आ चुके हैं दोस्तों, और उसके बाद ये 28 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। ये तो एक चैनल रहा, अभी दो चैनल का डेटा देखना बाकी है दोस्तों, ऐसे वो भी प्रूफ दिखाऊंगा और सब कुछ दिखाऊंगा। यहां पर ये 18 मिलियन व्यूज है दोस्तों, उसके बाद ये 10 मिलियन व्यूज है, उसके बाद ये 7 मिलियन व्यूज है, 4 मिलियन व्यूज है। इस तरीके से देखते जाओगे तो मिलियन में व्यूज जो है वो खत्म नहीं होने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब इनके चैनल पर इतने व्यूज आ रहे हैं और वीडियो किस टाइप की है, शहद होता है, जो कि प्योर नेचुरल शहद होता है, जो कि हमने कभी मतलब कि हमें देखने को मिलता नहीं है, इतना देखने को मिलता है। और यहाँ पर बाल्टी भर भर के इतना ज़्यादा शहद आपके सामने आ रहा है, तो क्या ही कहा जाए। ऑडियंस को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इंटरेस्ट आने वाला है ऐसी वीडियो देखने के लिए दोस्तों। अब ये शहद की वीडियो अपलोड करके इन्होंने अपने चैनल पर कितने सब्सक्राइबर हासिल किए हैं वो दिखा देता हूँ। चलो यहाँ पर देखो, चैनल का नाम यहाँ पर यूनान क्लिफ हने इस नाम से दोस्तों। ये किसी अदर कंट्री का मतलब ये थाईलैंड कंट्री का ये चैनल है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हो कि 145 वीडियो शॉर्ट अपलोड करके इन्होंने 2,73,000 सब्सक्राइबर को हासिल किया है। अब ये तो एक चैनल रहा, इसी कैटेगरी के दूसरे दो चैनल क्विकली दिखा देता हूं, उसके बाद आपको कैसे इसको एडिट करना है सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। तो ये रहा वो दूसरा चैनल दोस्तों, मुझे मिल नहीं रहा था, माफ करना। तो ये इनके चैनल को विजिट करते हैं, विजिट करने के बाद ये चैनल मोनेटाइज है करके ये भी प्रूफ दिखाऊंगा दोस्तों। और यहाँ पर विजिट करने के बाद सीधे चलते हैं शॉर्ट के अंदर, और जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे मोस्ट पॉपुलर को क्लिक कर दिया है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि इनके वीडियो पर 10 मिलियन व्यूज है, 1.2 मिलियन व्यूज है, 347 के व्यूज है। इतने ही व्यूज इन्होंने हासिल करके अपने चैनल को मोनेटाइज करके रखा है वो प्रूफ के साथ कर रहे हैं। जैसे कि इसको प्ले करने वाला दोस्तों, यहाँ पर देखो मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको वो वीडियो दिखाने की कोशिश करूंगा जिस पर जो है मोनेटाइजेशन इनेबल करके रखा है। देखो यहां पर ये आपको यहां पर शॉर्ट के अंदर देखने को मिल जाता है दोस्तों, ये बाय ए सुपर थैंक्स का मतलब क्या हुआ कि ये चैनल फुल्ली मोनेटाइज हो कर रखा है दोस्तों, ठीक है ना। ये दूसरा चैनल रहा, ऐसा ही चैनल एक तीसरा है दोस्तों जो कि यही सब करके मोनेटाइज हो चुका है। उस चैनल पर 45,000 सब्सक्राइबर है, तो चलिए उसको छोड़ देते हैं क्योंकि वो मतलब कि सेम ही कैटेगरी, अब बार बार बताने में वही प्रोसेस करने में क्या ही फायदा। तो पता तो चल चुका है आपको चैनल भी मोनेटाइज होता है करके। और ये जो अपलोड कर रहे हैं यही आपको अपलोड करना है फेसबुक प्लस में यूट्यूब पर दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आप यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ देखने से पहले दोस्तों कि किस तरीके से इसको एडिट करना है फेसबुक पर अपलोड करने के लिए, और साथ ही साथ में आपके पेज को मोनेटाइज करने के लिए क्या ज़रूरी है, अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए क्या जरूरत है, क्या ज़रूरी है, वो जानने से पहले मैं आपको मेरी तरह काम करके इनकम करना चाहते हो दोस्तों डेली का एक घंटा देकर जीके चैनल के थ्रू, तो सबसे पहले प्रूफ देख लीजिए। ये 49,500 की जो स्पॉन्सरशिप की इनकम है मुझे फिजिक्स वाला कंपनी की तरफ से मिल चुकी है दोस्तों, मेरे बैंक अकाउंट में भी आ चुकी है काफ़ी अच्छी तरीके से देख सकते हो। ये तो स्पॉन्सरशिप की रही, एड्स के जरिए भी मेरे जीके चैनल से हुई ही होगी कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर देखो मैंने जो मेरा चैनल है दोस्तों एग्जाम जीके अकेडमी है, और ओपन करके जो डेटा रखा है वो है 1 से 28 फरवरी का। तो इस मंथ के अंदर या कह सकते हो कि 28 दिन के अंदर एड्स के जरिए भी मैंने कितनी अर्निंग की है, यहाँ पर देख सकते हो कि 18,545 रुपीज़ की अर्निंग की है। इसके 18,000 स्पॉन्सरशिप के 50,000, तो मिल के कितने होते हैं वो खुद ही कैलकुलेट कर लेना दोस्तों। अब ये 18,500 है तो ये एडसेंस के अंदर एड होने के बाद होते हैं दोस्तों $224, जो कि आने वाले 2-3 दिन बाद जो है बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा खुद यूट्यूब दोस्तों। तो मैंने तो कमाए हैं। सवाल यहाँ पर ये आता है दोस्तों कि आप कैसे कमाओगे। बहुत इजी है, लेकिन पहले आपको सीखना पड़ेगा कि जीके चैनल किस तरीके से ग्रो किया जाता है, किस तरीके से एग्जैक्ट मेरी तरह वीडियो बनाई जाती है। सब कुछ मैंने आपको सिखाने के लिए एक जीके चैनल का कोर्स लॉन्च किया है, उस कोर्स का लिंक दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो जो मेरे भाई इंटरेस्टेड है सिंपली से उस कोर्स के अंदर एनरोल करो, उसके बाद आपको एग्जैक्ट वो टेक्निक शेयर की है, सिखाई गई है, जिसके जरिए मैंने अपने चैनल को ग्रो किया है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जो जो इंटरेस्टेड है जरूर ले लेना दोस्तों। तो चलिए अब आपको मैं समझाता हूँ कि इन्हीं की वीडियो को आपको कैसे लेना है, YouTube शॉर्ट में कैसे अपलोड करना है, या Facebook पर कैसे अपलोड करना है दोस्तों। देखो
पहली बात दोस्तों आपको YouTube शॉर्ट के अंदर अपलोड करना है तो आपको वॉइस देनी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना वॉइस के तो ये पहले ही मोनेटाइज हो के रखे। तो YouTube आप अगर इनकी वीडियो को बिना वॉइस के अपलोड करोगे तो YouTube ये देखेगा कि आपने अपनी वैल्यू उस वाले वीडियो के अंदर अपने चैनल पर अपलोड करके क्या दी है, तो वहाँ पर आपने वॉइस नहीं दी होगी या म्यूजिक लगाई होगी, तो ये YouTube पर लगेगा कि कोई क्रिएटिविटी आपने नहीं दिखाई है, तो आपके चैनल को शायद मोनेटाइज ना करे दोस्तों। तो इसकी वजह से YouTube शॉर्ट के अंदर अपलोड कर रहे हो तो वॉइस आपको देनी पड़ेगी। Facebook पेज पर अपलोड कर रहे हो दोस्तों, वहाँ पर चल सकता है वॉइस नहीं भी होगी तो, क्योंकि उन्होंने Facebook पर थोड़ी ही वीडियो ये अपलोड की है, नहीं की है, तो वहाँ पर चल सकता है। अब Facebook पर चाहे YouTube पर किस तरीके से अपलोड करने के लिए एडिट करना है, चलिए दोस्तों मैं आपको अभी इस स्मार्टफोन के जरिए लाइव प्रूफ के साथ एग्जैक्ट करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से किया जाता है दोस्तों। तो चलिए लाइव प्रूफ के साथ वो अगली प्रोसेस देख लेते हैं। ओके दोस्तों, एडिटिंग के लिए किसी भी एक सॉफ्टवेयर के अंदर चले आओ। मैं आ चुका हूँ पावर डायरेक्टर इस सॉफ्टवेयर के अंदर। आप चाहे तो कॉइन मास्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप सबसे पहले मैंने किस तरीके से वॉइस ऐड करके क्लिप बनाई है वो देख लीजिए। जरा इस जालिम शहद के लुटेरे को देखो, कितनी मक्खी है उसको काटने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसका मकसद ये है कि मेहनती मक्खियों के नेचुरल शहद पर अपना कब्जा जमाना, और उसने वो जमा कर भी रखा है। ओके, अब देख लीजिए दोस्तों। तो आपको सिंपली से इसी तरीके से अपनी क्लिप रिकॉर्ड करनी है 15 से 20 सेकंड की, और उसको जो है आप चाहे तो YouTube के ऊपर अपलोड कर सकते हो दोस्तों, चाहे तो आप Facebook पेज पर भी अपलोड कर सकते हो। ध्यान में रखनी आपको बात सबसे पहले ये है कि ये जो साइज मैंने सिलेक्ट करके रखी है, यही साइज आपको YouTube शॉर्ट के अंदर भी रखनी है, चाहे तो Facebook पेज के ऊपर भी रखनी है। साइज में कोई चेंजेस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वहां पर उन्होंने YT शॉर्ट के अंदर फुल साइज में रखा था शॉर्ट वीडियो के, तो वहां पर हम वो बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। प्लस में इसके अंदर आपको वॉइस भी ऐड करनी है दोस्तों, क्योंकि आपके चैनल को पेज को मोनेटाइज करने का ये सवाल है, तो इस तरीके से आपको करना है। जैसे ही आप क्लिप इंसर्ट करोगे उनके लिए के उनकी ही क्लिप आपको डाउनलोड करनी है, सारी मैं आपको बताना भूल गया होगा, तो उनकी ही क्लिप को आपको आपकी गैलरी में सेव करते रहना दोस्तों। करने के बाद यहाँ पर एडिटिंग के लिए सबसे पहले यहाँ पर आना है, इस साइज को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर जो उन्होंने साइज की है उसको हमें सिर्फ और सिर्फ इस वाली वीडियो को जूम आउट करना है। देखो यहाँ पर इस तरीके से बीचों बीच पार्ट जो है, बीचों बीच का जो पार्ट है वो अपने आप जो है यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर ये वीडियो थोड़ा सा HD में आपको नहीं लग रहा है तो यहाँ पर पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके आपको ये एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करके, ये शार्पनेस का जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसको बढ़ाना है, 19, 20 या 15 तक बढ़ा दो, ज्यादा नहीं बढ़ाना है, बस ये फुली HD में थोड़ी सी कन्वर्ट हो चुकी दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देखो मैंने किस तरीके से वॉइस ऐड की है, जो मैंने आपको क्लिप दिखाई है बना के वो देखो दोस्तों, यहाँ पर ही मैंने वॉइस रिकॉर्ड की है लाइव टू लाइव। एक बार मैंने ये जो है यहाँ पर देखो, इतनी वॉइस मैंने एक बार रिकॉर्ड की दोस्तों, उसके बाद मैं अटक गया था। इसके वजह से मैंने क्या किया, ये दूसरी लाइन यहाँ पर फिर से रिकॉर्ड की, मतलब कि एक ही बार में रिकॉर्डिंग मतलब कि होती नहीं है, नॉर्मल सी बात है, इंसान अटक ही जाता है बोलते बोलते, तो वो मेरे साथ भी हुआ है। तो मैंने क्या मतलब कि वीडियो बनाना छोड़ दिया, नहीं दिया, मैंने फिर से रिकॉर्ड किया, और ये जो है फाइनली इस तरीके से मैंने रिकॉर्ड किया दोस्तों, ताकि मैं अच्छी तरीके से आपको समझा सकूं कि किस तरीके से आपको क्या करना होता है। देखो मैंने 15 मिनट की क्लिप बनाई है, आप चाहे तो 20 सेकंड की या 25 सेकंड की भी तैयार कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ज़रूरी यही है कि आपको उसके अंदर वॉइस देनी पड़ेगी। आपके यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करना है तो, और फेसबुक पेज को भी मोनेटाइज करना है तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है, आपके यूट्यूब चैनल पर प्लस में फेसबुक पर भी अपलोड कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपको इतना ही करना है, इसके आगे क्या ही करने की जरूरत है दोस्तों, है ना। तो यहां पर मैंने मान लेता हूं कि आपने ये करके रखा है, तो यहां पर सिंपली से इसको फुल HD के अंदर दोस्तों आपको प्रोड्यूस करके आपके YouTube चैनल पर अपलोड कर देना है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको सब कुछ लाइव प्रूफ के साथ बता दिया, दिखा दिया कि किस तरीके से एडिट करना है। एक नई कैटेगरी मैंने आप सभी के सामने रखी है खोल के, अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस कैटेगरी पे वर्क करना चाहते हो तो जरूर ही कर लीजिए, या तो मेरी कैटेगरी जीके चैनल की कैटेगरी में आ सकते हो। सिखाने के लिए मैंने आपके सभी के लिए एक जीके चैनल का कोर्स लॉन्च किया है, कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले भी बता दिया है कि देख के रखा है। अगर आपको कोर्स के बारे में कुछ भी जानकारी लेनी हो, @sharpcreator444 इस टेलीग्राम आईडी पर आप मुझे जब चाहे आधी रात को भी मैसेज कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले स्पेशल और फ्रेश वीडियोस के अंदर।